चलो कौन सा टॉपिक टफ लगता है सामने को? दर्पण, प्रकाश। चलो अपन प्रकाश पढ़ लेते हैं ना, सीट में तो सब है, चाहे कोई भी पढ़ लो। प्रकाश पढ़ लेते हैं, आज 1 बजे तक फिजिक्स ही पढ़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाती है, मुझे सुकून आ जाता है। चलो अब पढ़ते हैं प्रकाश। समझ में आता जा रहा कि नहीं, कि ऐसे ऊपर से उड़ा रहे? पूरा समझ में आ रहा है? नहीं हो तो स्पीड स्लो कर लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि फास्ट है तो स्लो कर लेंगे। अगर किसी को लग रहा, क्योंकि सबका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता, अगर आपको लग रहा सर बहुत फास्ट हो रहा है या फास्ट हो रहा है तो स्लो कर लेंगे। समझ में आ रहा? बाकी मुझे तो बहुत सरल लगता है पर्सनल। अब लाइट की बात करते हैं, लाइट। चलो आज ही किसी कोई भीको जी करके कोई एक बाबा थे, उनका देखा था। एक ने बोला कि एक भक्त ने उनसे पूछा कि सर अंधेरा क्यों होता है? तो उन्होंने भक्त से बोला कि प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधेरा होता है, जहां प्रकाश अनुपस्थित हो वहां पर क्या होता है? अंधेरा। तो बोला अंधेरा सब प्रकाश की वजह से, वो अनुपस्थित क्यों हुआ? ऐसा वैसे ही लोग बोलते हैं कि हमें दुख आया है भगवान की वजह से, क्योंकि जहां भगवान अनुपस्थित हो गए वहां दुख है। तो उन्होंने भक्त को समझाया कि अगर तुम्हें लगता है यहां अंधेरा है तो प्रकाश ले आओ, अंधेरा चला जाएगा। अगर तुम्हें लगता है जीवन में दुख है तो भगवान को ले आओ। तो उन्हें बोला प्रकाश की वजह से अंधेरा नहीं है, तुम प्रकाश को ला नहीं पा रहे इसलिए अंधेरा। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, मतलब प्रकाश की क्या गलती है? कहले बोलते प्रकाश की गलती है, क्यों चला गया ये प्रकाश? चला गया इसलिए क्या हो गया? प्रकाश कब मना कर रहा है? तुम प्रकाश ले आओ, स्विच दबा दो, आगे समझ में। तो उन्होंने उसको ऐसे समझा दिया, तो पर्सुएशन अच्छा है, अच्छा लगा। एक लाइन और एक कहीं पढ़ी थी, एक तुम लोगों को लाइन दे रहे ऐसे ही जस्ट। औरत पैदा नहीं होती, नारी जन्म नहीं लेती, नारी बनाई जाती है। ये एथिक्स के किस पोर्शन पे है? ये आंसर है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले समझ लो, ऐसे चलो जज कर ले रहे। नारी जन्म नहीं लेती है, नारी बनाई जाती है, ये एथिक्स के किस पोर्शन पर आधारित है? विभेद, सही पकड़ा, विभेद। सब पैदा होते हैं मानव की तरह, तुम फर्क करते हो कि एक नर है। अभी विभेद वाला टॉपिक है पढ़ाएंगे, पर मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, इंटरव्यू में पूछा था। तो पैदा होता है इंसान, हम बना देते हैं उसको मेल और फीमेल में, हम कह देते हैं नर है ये घर के बाहर के काम करेगा, ये नारी है घरेलू कार्य करेगा करेगी, ये बच्चे पालेगी, ये उनकी सेवा करेगी, ये पति की सेवा करेगी, ये पिता की आज्ञा का पालन करेगी, ये भाई के अनुसार चलेगी, इसमें जब वृद्ध हो जाएगी तो पूर्ण। तो वो पैदा तो इंसान ही हुई थी, हमने इतनी सामाजिक परंपराएं उस पर थोप दी, इतनी सामाजिक बाध्यता थोप दी कि वो नारी के रूप में पैदा नहीं हुई थी, पर तुमने नारी बना दिया। तो पूर्वाग्रह आधारित विभेद का सबसे अच्छा उदाहरण ये लाइन है। हाँ मैंने है मानव, अरे मानव में जेंडर अलग अलग है, वो जेंडर ही है ना, एक नारी है, पर तुमने उसे नारी बना दिया है। हाँ तो हमारा एक पूर्वाग्रह आधारित है ना, नारी है ये नाजुक है, बाहर के काम नहीं कर सकती, ये युद्ध नहीं लड़ सकती, ये घर के ही काम करेगी, तो पूर्वाग्रह आधारित है ना। जैसे NDA में महिलाओं की भर्ती कहाँ होती थी? परमानेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये खत्म करो, जो विभेद तुमने बना रखा है आप नारी को ले जाओ ना फाइट में। किस में? हाँ इक्वल दिया जाता है तो वो कर नहीं पाती। नहीं नहीं महिला भी इक्वल कर सकती, पर शुरुआत से। एक नव्या करके यूट्यूब पे बॉडी बिल्डर है, देखा नव्या को? बॉडी बिल्डर है, बहुत बराबर उठा लेती है, लड़कों को पटक देती है। क्या होता हम परवरिश ही ऐसे करेंगे, तुम लड़के की नाजुक तरीके से परवरिश करो, करण जोहर पैदा ना हो तो बताना। कई लोग है ना लड़के को नाजुक तरीके से पालते, अरे नहीं हमारा लड़का ये नहीं कर पाएगा, अरे हमारे लड़के ने तो एक गिलास पानी उठा के नहीं पिया, कह लो ऐसे पाल देते ना, तो उनके लड़का वैसे ही होगा। आप रफ एंड टफ पालो ना, तो आप लड़की को अगर रफ एंड टफ पालो, अरे कोई लड़ाई हो मुंह तोड़ देना, हम लड़की को क्या सिखाते? तुम्हें कोई छेड़े बोलना नहीं, बदनामी होगी। तो उसको डरपोक बना दिया ना हमने, कि कोई छेड़े सीटी बजाए, कपड़ों के रंग बताते हैं, काले कुर्ते वाली लाल कुर्ते वाली, ऐसे होता ही नहीं। शादी हॉल में लड़की एंटर करती, दोस्त कर लेते, काली वाली तेरी लाल वाली मेरी, लड़कियों को पता ही नहीं बंटवारा हो गया, लड़कियों को पता ही नहीं।
और पहले से डिसाइड करते लड़ाई ना हो, अगले दिन विदाई हो गई, शादी हो गई, पता नहीं चलता, है ना। वही है, अरे मैंने जब पहली बार लाइफ में शादी में जब बरमाला ला, तब तक तो सो जाते थे, खाना ना खाए छोटे में सो गए और ले जाते थे। एक बार घर की कोई शादी थी, मैं सुबह उठा, मैं दुल्हन नहीं पहचान पाया, कि सुबह को कोई होते ना नेक वेक होते, तो मैं चाची थी, मैं कितनी सुंदर चाची यार, अब मुझे क्या पता ये ब्यूटी पार्लर से निकल के आ रही है, चाचा तो इनके आगे कुछ नहीं है। अब मैं सुबह में कि जी कौन चाची बिठा दी, रात वाली चाची बहुत अच्छी थी। तो भैया वहाँ तो ड्रास्टिक चेंज होता है दोनों में, एक तो दो कारण, एक तो रात भर उनके कोई ना कोई पूजा पाठ चलती रहती, तो थके होते हैं, और दूसरा मेकअप उतर जाता है। तो दोनों कारण हैं, तुम तो दुल्हन की दोनों फोटो निकाल के देखना, जमीन आसमान का अंतर है। और उस समय दुल्हन की शादी तैयारियां, दुल्हन की सहेलियां, दूल्हे की बहनें, जब शादी में एंटर करेंगे तो अलग, वरमाला के ठीक पहले अलग, इसका खाना खाते समय अलग, सुबह अलग, भैया इतनी ड्रेस, और जो दूल्हे के दोस्त दूल्हे के भाई वो एक ही ड्रेस, बस इतना ही होगा, सुबह जो शर्ट पूरी यहाँ तक थी, सुबह इससे ज़्यादा बदला नहीं आता। चलो हाँ, अब देखो प्रकाश की बात करते हैं, लाइट, फिजिक्स में जितने भी टॉपिक हैं ना सब अच्छे हैं, प्रकाश में देखो, प्रकाश कुछ नहीं है, जो हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाया था, कुछ तरंगे ऐसी थी ना जिन्हें माध्यम की आवश्यकता, वो निर्वात में भी चल सकती है, उनकी लघु तरंग से लेकर, गामा से लेकर धीरी तरंग तक एक रेंज बनती है, उस रेंज को क्या बोलते थे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, और सबके अलग अलग उपयोग थे, गामा का अलग, एक्स का अलग, सबका, उन्हीं में से एक है प्रकाश। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जो 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉन के बीच में है, जिसको रफली 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन लिख देते हैं, है ना। तो ये 3800 से 7600 की रेंज है, बिब की ओर पढ़ते हैं ना, तो वायलेट 3800 से शुरू होता है और रेड कितने पे खत्म होता है, अच्छा इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, कि ऐसे ही तो चले जाते हैं ना, कम से ज़्यादा की ओर, याद है थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो रिमोट सेंसिंग नहीं होगी, कि वही एक तरंग थी जो निर्वात में भी जा सकती थी। तो प्रकाश एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम, इसलिए तो टूटता तारा दिख जाता है, दिखता कि नहीं दिखता, कि वो प्रकाश हम तक आ जाता है। तो प्रकाश कुछ है नहीं, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी गति कर सकता है, और इसकी एक तरंग दैर्ध्य होती है 4000 से 8000, किताब हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये बिब ग्योर होता है, 7 कलर होते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है वायलेट, जामुनी और लाल पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, प्रकाश पर। इसके बाद तो पहला गुण तो समझ में आ गया, कैसी तरंग है, विद्युत। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसकी दिशा हमने डिस्कस की थी, कैसी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा, कैसी होती है, विद्युत और चुंबकीय दोनों के परपेंडिकुलर होती है, याद हो रहा, अगर विद्युत क्षेत्र इस तल में बना है और चुंबकीय क्षेत्र इस तल में बना है, तो इस तल में तीन तल हो सकते ना, एक तल ऐसा हो सकता है एक्स, और एक तल ऐसा हो सकता है वाई, तो एक तल तीन बन सकते ना एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में होता विद्युत, इस एक्स में होता चुंबक, और इसके तीनों दोनों के परपेंडिकुलर निकलता है प्रकाश। तो जो प्रकाश तरंग है वो दोनों क्षेत्र के लंबवत निकलता है, ये हर विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है, कि वो विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र, ये डिस्कस कर चुके हैं हम, बताया था ना दो तीन पेन से मिला के, तो प्रकाश भी वैसे ही है। चलो इसके अलावा प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दो तरह की तरंग है, डिपेंड करता है जब वो माध्यम से चलती है तो माध्यम के कण कैसे गति करते हैं, रस्सी वाला बताया था, पानी वाला बताया था, तो रस्सी के कण लंबवत गति करते हैं और तरंग ऐसे निकल जाती, अगर मैं किसी में ऊर्जा दूं तो तरंग तो ऐसे निकल गई, मैं यहाँ से झटका दूंगा ये ऊर्जा सामने वाले पर पहुँचेगी, पर रस्सी के कण ऐसे गति नहीं करेंगे, लंबवत गति के। तो दो तरह की तरंग पड़ी थी, एक अनुप्रस्थ, और तो प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है। इसके अलावा इसे कोई माध्यम चाहिए, नहीं चाहिए, ये निर्वात में भी गति कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जब कोई माध्यम नहीं चाहिए, ठोस द्रव गैस कुछ नहीं चाहिए, तो निर्वात में भी
गति कर सकती है, और इसकी गति है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, जिसकी खोज की थी रोमर नाम के साइंटिस्ट। तो रोमर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था इतनी स्पीड होती है दुनिया में, इससे तेज किसी की स्पीड नहीं है आज, इससे तेज दुनिया में सबसे तेज गति होती है एक ही, तो वो मन की गति। हाँ, मन बैठे बैठे वॉशिंगटन पहुंच सकता है ना, बैठे बैठे तुम्हारे घर, मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, घर पे क्या बनाओगे, दुनिया में सबसे तेज गति मन की है। उसके बाद अगर किसी की गति है तो प्रकाश की। चलो, प्रकाश की गति है। अब देखो, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रकाश अगर एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाते हैं, अगर प्रकाश किसी माध्यम से टकराया और वापस उसी माध्यम में आ जाता है, तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश के गुण पढ़ते हैं, तो पहला गुण है प्रकाश में परावर्तन की क्रिया होती है, होती है, और क्योंकि प्रकाश जिस माध्यम से टकराता है उसमें वापस आ सकता है। अगर ये जो तल है जिससे वो टकरा रहा है उसके 90 डिग्री में एक लाइन खींचते, इस लाइन को क्या बोलते हैं? अभिलंब, परपेंडिकुलर। तो आने का जो एंगल होता है जिसे आई बोलते हैं, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही एंगल जाने का होता है। हमेशा ध्यान रखना है आई बराबर क्या होता है आर। तो परावर्तन अगर होगा तो पहली विशेषता है अगर ये 30 डिग्री से आएगी तो 30 डिग्री से ही, तो प्रकाश का पहला गुण है परावर्तन। परावर्तन का मतलब है प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौटता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? परावर्तन। और जो जाने का कोण, कोण किससे नापेंगे? अभिलंब से, अभिलंब से नापेंगे। जो आने का कोण है जिसे बोलते हैं आपतन कोण, वो बराबर होता है जाने का, जिसे क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में आएगा परावर्तन क्या कहते, परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखो। तो परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आता है तो प्रकाश के इस गुण को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के गुण निम्नलिखित है, पहला नियम आपतन कोण बराबर, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये एक ही तल में होते हैं, तीनों इसी प्लेन में है, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम लिख के आना बस। पहला गुण समझ में आ गया कि नहीं? परावर्तन क्या, परिवर्तन क्या, ये प्रकाश का पहला गुण है, इसमें कोई दिक्कत है? मैं टकराया और वापस आ गया, इसको क्या बोल दिया? समझ में आ गया। और ऐसा कोई पदार्थ टकरा, जैसे बॉल है, इस पर अगर फेंकोगे तो टकरा के आ सकती है कि नहीं? तो परावर्तन यह सिद्ध करता है प्रकाश किसकी भांति, कण की भांति काम करता है। समझ में आ गया? तो जो परावर्तन है वो प्रकाश के कण को बताता है। अब दूसरा नियम देखो, पहला नियम में कोई दिक्कत है? चलो, अब दूसरा नियम देखो। हमने क्या किया, एक माध्यम लिया ए, ए माध्यम लिया बी, और अब की बार हमने प्रकाश को एक माध्यम से आने दिया पर दूसरे माध्यम में गुजार दिया। पहले क्या कर रहे थे? ए माध्यम से आ रहा था और ए माध्यम में जा रहा था, मतलब समझो जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो ये वायु है, तो अभी जो हो रहा है सब परावर्तन हो रहा है क्योंकि अभी वायु है। पर जब तुम इसकी बजाय किसी तालाब में देखने लगोगे तो दो माध्यम आ जाएंगे, एक वायु और एक तालाब, तो अब परावर्तन नहीं हो सकता, अब दूसरी घटना होगी। समझ में आ गया? अब देखो, अब होगा क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, क्यों? माध्यम बदल गया ना। जब कोई गांव से शहर आता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, आता पढ़ाई करने है तो पढ़ाई कहाँ कर पाता, वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। चलो, कैसे विचलित हो जाता है देखते हैं। क्या कह रहे? अरे बहुत विचलन के कारण है, पबजी कोई मिल गई खरीदते समय सब्जी, है ना? चलो अब सुनो, है ना, लड़के वालों को, जो लड़के होते हैं ना
बहुत ज़्यादा शौक रहता मदद करने का। सब्जी वाले से पूछा करेला कैसे दिया, बोले 20 का पाव। अब वहीं बगल में भी किसी ने पूछा कैसे दिए 20 के पाव, बोले यहाँ से मतलब बगल वाले 15 का मिल रहा है, बोले कि थैंक यू चलिए आई। इसमें लड़का खुश हो जाता यस चलो शुरुआत हुई तो हेल्प करने में, जैसे कोई बुक स्टोर में किताब ले रहा हो, वो ले रहा है विपिन चंद्र, बोले टफ है स्पेक्ट्रम खरीद लो, बोले सच में, बोले हम 2 साल से सेलेक्ट नहीं हो रहे हमारे से ज्यादा कैसे चलो यह समझो सब जगह समझो। चलो अब शुरुआत होनी चाहिए, चलो अब सुनो सुनो सुनो। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से आई, अब माध्यम बदलेगा तो 2 संभावना है, जाना तो चाहिए इसको सीधे, मतलब ये पढ़ाई करने घर से आया गांव से तो पढ़ना तो चाहिए अपने पथ पे, पर या तो ये अविलंब की ओर विचलित हो जाएगा या फिर ये अविलंब से दूर विचलित हो जाएगा। इसके साथ 2 कंडीशन हो सकती है, इसका जो सामान्य पथ है ये डॉट डॉट वाला, इस पथ पर जाना चाहिए, पर या तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगा या अविलंब से, वैसे नॉर्मल ये है ना, या तो इस तरफ झुक जाएगा 1 या इसकी तरफ चलेगा 2। अब डिपेंड करता है कि किस माध्यम से आ रहा है और किस माध्यम पे जा रहा है। अगर ये माध्यम सघन है तो इसकी ओर खिंचेगा, अगर वो हवा से पानी की ओर आ रहा तो हवा की तुलना में पानी थोड़ा सा सघन होगा कि नहीं, तो अगर वो सघन माध्यम है तो उसकी ओर खिंच जाएगा अविलंब की ओर, और अगर ये विरल हुआ तो उससे दूर चला जाएगा और कुछ नहीं। जिसमें वो प्रवेश कर रहा है अगर वो डेंसर है, पहले की तुलना में सघन है, तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, सघन है दमदार है तो अपनी ओर मुड़ जाएगा, अगर ये विरल है तो अविलंब से, तो 2 कंडीशन बन सकती है, अगर ये हवा से पानी में आ रहा है तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, और ये पानी से हवा में आ रहा है तो अविलंब से। चलो इसको दोनों डायग्राम बना देते, दोनों समझो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जहां नहीं आ रहा पूछना है ना, टाइम हम नहीं हुआ कुछ। ये आपतन कोण बनेगा और ये इसका सामान्य पथ होना चाहिए था, ये इसका क्या होना चाहिए था सामान्य पथ, आता कोचिंग ज्वाइन करता, विक्टोरिया से किताबें लेता, रूम लेता और पढ़ाई शुरू करता, कोचिंग कोचिंग से घर घर से कोचिंग, ये इसका आम जिंदगी, पर ऐसा होगा नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके मार्ग में कोई ना कोई, हाँ स्टूडेंट के मार्ग में बाधा, कृष्ण के मार्ग में राधा आनी चाहिए। अगर ये विरल है तो ये अपने पथ से क्या हो जाएगा, वह अविलंब से दूर चला जाएगा, ये हो गया कंडीशन 1। बहुत धार्मिक हो गए, जैसा देश। आंखें कमजोर दिए, कान नहीं दिए, मुझे तो पता भी नहीं कि चश्मा कब से लग गया, वो तो एक दिन टीचर ने पहचान लिया था, मैं सबसे आगे बैठता था कभी चश्मा लगता, एक दिन आगे सीट नहीं मिली, अब पीछे से कुछ दिख ही नहीं रहा, उस दिन मुझे पता चला मैं अंधा हूँ क्योंकि जब आगे थे तो बोर्ड दिख रहा था, कभी लगा ही नहीं, जब बॉल खेलते थे क्रिकेट खेलते थे तो दिन में बढ़िया दिखता था, शाम होते होते सबको दिखता था मुझे नहीं दिखता था, तो हमले हमेशा टॉस जीते में तो पहले बैटिंग कर लेते थे, उस समय तक पता ही नहीं चला था कि विकलांग है शरीर में कोई कमी। एक दिन पीछे बैठ गए तो एक बच्चे की कॉपी चेक दिख ही नहीं रहा था कुछ, तो टीचर ने बुलाया कि कॉपी क्यों कर रहे हो, बोले सर कुछ नहीं दिख रहा, फिर उनने घर में बता दिया कि जी सूरदास पैदा हुआ इसको चश्मा पहना। चलो अगर ये अपनी इतनी बेइज्जती खुद कर लो कि सामने वाला ना करे, अगर ये सघन माध्यम हुआ तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगा, ये क्या है अविलंब, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ये क्या है अलंब। इस घटना को, ये जो 2 घटना दिख रही हैं,
इनको बोलते हैं अपवर्तन। अगर जाती वही लौट के आ जाती तो वो परावर्तन था, पर इसमें तो दिक्कत हो रही, बिरल में कुछ और हो रहा, तो दोनों डायग्राम बना लो, है ना, जैसे ये समझ में आ जाए। देखो फिजिक्स साइंस इसलिए अच्छी लगती है, रटनी नहीं पड़ती, एक बार समझते जाओ याद हो जाती, इसलिए थोड़ा सा सरल लगता है, बस साइंस समझ के पढ़ी गई हो बस। जैसे ये एक सब्जेक्ट जो मैं कभी पढ़ के नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री भाई ऐसे ही चले जाते, पूरी दे दी, अब कोई भी टॉपिक किसी वजह से चुंबक टफ है, चलो चुंबक पढ़ते हैं, ये आसान टॉपिक है। सबसे बुरे टॉपिक तो ये लगते हैं एमपी, सिंधिया रट रट के मरे जाओ, किसका बेटा, पांच बेटे थे एक भूल गए कौन था। हाँ अच्छा, नाम से दिया है। पता नहीं, कई छोटी बड़ी रियासतें होंगी, जैसे मध्य भारत में 25-26 ऐसे कुछ लिखा है, डाउट कंफर्म ही नहीं है। चलो मध्य प्रदेश की वेबसाइट में और देख लेना सरकार क्या बोल रही है, उसको अपन मान लेंगे। चलो ये दोनों बना लिए, जल्दी से बना लो अपवर्तन के दोनों डायग्राम, एग्जाम में दोनों बना के आ जाना है, ठीक है, अगर 200 में आते हैं, और वैसे नहीं तो एक में ही दोनों कंडीशन दिखा देना, एक में दोनों बन नहीं पाएंगी, वैसे एक ही पेन तो रहती, पर सघन और बिरल दोनों किस एक साथ दिखाओगे, समस्या आपने अलग दिखा दिया कि बिरल में ऐसा चल रहा है और इसमें ऐसा चल रहा, बना लिया। चलो 30 मिनट बचेंगे, नहीं बचे अभी, कितने बज गए, तो बस तब तक खत्म कर सकते हैं इसको, 4 मिनट में तो पूरा पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा। अपने पास 240 सेकंड, अब देखो, अब समझो, इस वाले का कोई काम नहीं है, हमारा काम है बिरल वाले में। जब कोई प्रकाश किरण बिरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर जाती है कि दूर जाती है, दूर जाती है, और ये कितना दूर जाएगी डिपेंड करता किस एंगल से आ रही है, ये इस पर डिपेंड करती है ये किस एंगल से आ रही है, समझ में आ गया। अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल ये भी बढ़ जाएगा, आ रहा समझ में कि नहीं, ये कितना दूर जाएगी डिपेंड करता है कितना आपतन कोण बना। तो मैंने पता चला यहां से ले आया और बढ़ा दिया, तो मैंने इतना बढ़ा दिया कि ये अभिलंब के ठीक 90 डिग्री पे निकल गई, कैसा हो सकता है। अगर मैं आई को बढ़ाता जाऊंगा तो यहां से भी बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब विचलन के बाद बिल्कुल अभिलंब से 90 डिग्री पे निकल जाए। ये पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं, नहीं आया। अच्छा देखा है, तब पानी में टॉर्च मार के क्या कर रहे थे। अरे जस्ट चलो सुनो, अरे कोई पैसा वैसा कुछ सामान वामान गिर सकता ना, तो चला तुम लोग तुरंत। दुनिया देखो कितने मजे लेती है। चलो देखो, ये समझा रहे हैं कि जो आपतन कोण है ना, इस पे डिपेंड करता है कि कितना विचलन होगा, विचलन के। चलो तो आपतन कोण हमने इतना है, अब हमने क्या किया, इस एंगल को बढ़ा दिया और यहां से ले आए, तो ये विचलन भी, ये भी बढ़ जाएगा। अगर आपतन कोण बढ़ाते चले गए तो विचलन कोण भी बढ़ता जाएगा। हमने आपतन कोण इतना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि ये बिल्कुल 90 डिग्री से निकल गई। तो जितने आपतन कोण में 90 डिग्री पर निकल जाए, इस वाले आपतन कोण को आपतन कोण नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण में बदल जाता है अगर वो दूसरे माध्यम में जाने के बाद अभिलंब से। तो क्रांतिक कोण अलग से कोई कोण नहीं है, है वो आपतन कोण, पर तुम इतना बढ़ाते गए कि अपवर्तन के पश्चात वो
अभिलंब से 90 डिग्री पर निकल गई। आ रहा समझ में कि नहीं? ये समझ में आ गया। तो क्रांतिक कोण कोई अलग से कोण नहीं बनता, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तित किरण अभिलंब के लंबवत निकल जाए, उस आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। ये कब होगा? जब माध्यम क्या होगा, तभी तो दूर जाएगी। अब क्या हो, माना कि हमें 105 डिग्री पर मिल गया क्रांतिक कोण। अगर 105 पे आ रही थी तो ये 90 पे जा रही थी, तो हमने बढ़ा दिया 105 से कर दिया 110। अब क्या होगा, ये वाली बाहर निकल आएगी, ये ऐसी थी, वहां से बढ़ाते जा रहे, यहां से बढ़ती जा रही, 90 डिग्री होगी, 90 पे मतलब वहां क्रांतिक कोण बन गया। अब क्रांतिक से भी ज्यादा आपतन कोण बना दिया तो ये बाहर निकल जाएगी। तो ये एक माध्यम से जाएगी और वापस उसी माध्यम में आएगी दूसरे माध्यम से होते हुए, तो ये कुछ और हो रहा है, क्योंकि परावर्तन में जाती है और उसी माध्यम से लौट आती है। इसमें क्या है, एक माध्यम से जाती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करके वापस आती है, दो माध्यम से गुजर के वापस, तो है तो परावर्तन, क्योंकि वापस तो लौटी, पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब जाना और वापस आना, अपवर्तन का मतलब जाना और अपने पथ से विचलित हो जाना, चाहे तो अवलंब से दूर चाहे अवलंब के पास, पर जाना और विचलन के बाद वापस लौटना। तो है तो परावर्तन जैसा, पर अंदर से पूरा घूम के आ गई ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तभी हो सकता है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। आ रहा समझ में कि नहीं? नहीं आया तो एग्जाम में आ जाए, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्या होता है वह आपतन कोण, हाँ, या आपतन कोण नहीं लिखना तो लिख सकते वह कोण जिसमें आपतन के पश्चात है ना दूसरे माध्यम से अपवर्तित होकर अभिलंब के लंबवत निकल जाए, क्रांतिक कोण कहलाती। अगर आपतन कोण नहीं बोल रहे तो लिखना पड़ेगा आपतित होकर, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन करण की दो ही शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जिस माध्यम में जा रही है वो विरल होना चाहिए, और जिस माध्यम से आ रही है वो, तभी तो ये विरल है। पहली कंडीशन विरल नहीं होगी तो दूर नहीं हटेगी, दूर नहीं हटेगी तो बाहर नहीं जाएगी। तो पहला है कि विरल जाना चाहिए, और दूसरा क्रांतिक से ज्यादा में होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक से कम में तो अंदर ही रह जाएगी ना, क्रांतिक में लंबवत निकल जाएगी, क्रांतिक से ज्यादा पर्याप्त है। तो एग्जाम में आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक दोनों शर्तों का उल्लेख करो। समझ में आ गया। चलो तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। अब कल दूसरे गुण देखेंगे, ठीक है। केपलर का पहला नियम, एक इंदौर में सर हैं, दोस्त हैं, उनका फोन आया कि सर आप पे बहुत प्रेशर है। मैंने क्यों बोले, दिखता कि सर आप चाय भी पढ़ाते पढ़ाते पी रहे, खाना भी, बोले कितना प्रेशर है कि आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा, पढ़ाते ही में ही खाना बन रहा है। चलो कुछ तो फायदा हो रहा है, नहीं कोई समझा का है, उन्हें लगता है ऐसा बहुत प्रेशर है, एक घंटे बाद ही टाइम ही टाइम है, 11 बजे क्लास छूट जाएगी ना मेरी। चलो अब देखो सुनो, तो केपलर का पहला नियम क्या था जल्दी से, कि कोई भी ग्रह है बिल्कुल राउंड नहीं घूमता, कैसा घूमता है, घूमता है ऐसे। उन्हें बोला कोई भी, ये पहला नियम में कोई दिक्कत थी, जो नहीं आए वो इतना सुन लो कि केपलर ने तीन नियम दिए थे। पहला नियम था कि वृत्ताकार नहीं घूमता, कैसा घूमता है, दीर्घवृत्ताकार, मतलब कभी बिल्कुल पास आ जाता है कभी बिल्कुल, तो पृथ्वी सूर्य बिल्कुल एक समान दूर, एक समान दूरी पे नहीं रहेंगे, कभी बिल्कुल पास और कभी दूर, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, चाहे पास घूमे चाहे दूर घूमे, समान समय में क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि जब पास में, जब दूर होगा तब धीरे धीरे चलेगा, इतना ही चलेगा, और जब पास में पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा। जब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर होगी तो थोड़ा सा चलेगी, और जब बहुत पास आ जाएगी तो बहुत तेज चलेगी, क्योंकि कोणीय संवेग फिक्स करना है, कल बताया था
कोणीय संवेग मतलब संवेग गुणे त्रिज्या, संवेग में जब त्रिज्या का गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है। तो अगर ये त्रिज्या बहुत बड़ी होगी तो वेग क्या करना पड़ेगा, कम, तभी तो स्थिर रहेगा। और जब ये त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो वेग क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। आ रहा समझ में कि नहीं। कुल मिला के समान समय में समान क्षेत्रफल तय होगा, ये दूसरा। तो एक चीज समझ में आ गई कि जब त्रिज्या बहुत ज्यादा होगी तो उसको घूमने में टाइम भी बहुत लगेगा, स्लो स्लो चलेगा ना। इसका मतलब कि त्रिज्या और घूमने का टाइम दोनों एक दूसरे के समान पाते। त्रिज्या बड़ी होगी तो स्लो स्लो चलेगा ना, तो घूमने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो टाइम और त्रिज्या एक दूसरे के क्या होंगे, समान पाते। बस जो कैलकुलेशन करके निकला है कि इसका स्क्वायर इसके क्यूब के समान पाते, पर है समान पाते। समझ में आ गया। केबलर के तीन नियम, दीर्घवृत्ताकार, दूसरा समान समय में समान क्षेत्रफल, और तीसरा जो टाइम लगता है वो त्रिज्या के समान पाते। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब एक चीज रह गई थी, एक चीज रह गई थी, वो देख लो। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल का एक पॉइंट रह गया, वो समझ लो। पृथ्वी अपनी सतह पर किसी वस्तु, जैसे इस वस्तु का वेट है m और पृथ्वी का वेट है कैपिटल m, तो क्या पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होगी? लगा रही होगी, तभी इसकी सतह पर होगा। वो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, कैपिटल m इंटू स्मॉल m अपॉन, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? ये स्थिरांक है जिसकी फिक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11। ये पहली वस्तु का वजन और ये उस पर रखी वस्तु का वजन अपॉन उनकी दूरी का स्क्वायर। अगर मैं इस वस्तु को इतनी स्पीड से फेंकूं कि इसके पास जो ऊर्जा हो वो इस बल से ज़्यादा हो जाए, मैं अगर इसको इतनी गति से फेंकूं कि इस बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर जाए, हो सकता है कि नहीं? बस मैं गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी उसका, तो इतनी तेज फेंक दूं कि पृथ्वी के फोर्स से भी ज़्यादा हो जाए, तो ये वस्तु पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। अगर मैं इस वस्तु को इतनी ऊर्जा दे दूं कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को क्रॉस कर जाए, तो इसके लिए कोई ना कोई वेग होना चाहिए, तभी तो ऊर्जा आएगी। उस वेग को बोलते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, जो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु की स्पीड एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर या इससे ज़्यादा है तो वो कभी लौट के, इसका मतलब GSLV, PSLV जो लॉन्च किए जाते होंगे अंतरिक्ष में, उनकी गति इससे, आ रहा समझ में कि नहीं? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी पर वो तो लिमिट है ना। अगर हम इतनी एनर्जी दे दें किसी को तो बल को क्रॉस कर जाएगा। इस वेग को क्या कहते हैं, नोट्स में लिखा कि नहीं लिखा? नहीं लिखा, लिखा होगा। चलो हेडिंग डालो, पलायन वेग। पीछे सबसे पीछे खाली जगह होगी, सीट में सबसे पीछे खाली जगह हुई, उसमें हेडिंग डाल दो पलायन वेग। अरे कहीं आगे पीछे दो लाइन लिखना, लिखो। देखो, किसी वस्तु को इतने वेग से फेंका जाए कि वह पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा को पार कर जाए, कि वह पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा को, तब ये सही है, सीमा को पार कर जाए, तो उसे पलायन वेग कहते हैं, तो उसे पलायन वेग कहते हैं।
इसका मान 11.2 किलोमीटर, इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहां तक कोई दिक्कत? कल हम पढ़ रहे थे प्रकाश, तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था प्रकाश में? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी एक रेंज होगी नीले गुलाबी से, वो बैंगनी से लेकर लाल तक। इसमें हमने एक गुण पढ़ लिया था परावर्तन और एक गुण पढ़ लिया था अपवर्तन, और इसी का मॉडिफाइड रूप था पूर्ण आंतरिक। चलो अब देखो सुनो, ये मान लो एक तालाब है और इससे प्रकाश आता है और पानी में प्रवेश कर जाता है। सूरज से प्रकाश आता है, पानी में प्रवेश कर जाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रकाश की गति वायु में थी, क्या वही पानी में होगा? बताओ क्यों? जितना सघन माध्यम करोगे प्रकाश की गति कम होगी। जैसे तुम दीवाली लगा दो, प्रकाश गति कहां कर पाएगा? रह जाएगा उस तरफ। तो हवा में या निर्वात में इतनी स्पीड हो सकती है, पर तुम पानी लाओगे तो स्पीड और कम होगी। जितना ज्यादा सघन करते जाओगे पानी की स्पीड, वो प्रकाश की स्पीड उतनी कम होती जाएगी। तो कोई ना कोई एक ऐसा संख्या लाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक, जो यह बताता है कि उस माध्यम में पानी की स्पीड कितनी होगी। जैसे किसी ने बोला पानी का अपवर्तनांक 2 है, इसका मतलब है पानी में प्रकाश की गति में 2 का भाग देना पड़ेगा। किसी ने बोल दिया कि मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक 3 है, तो मिट्टी के तेल में प्रकाश की गति इतनी होगी। किसी ने बोला हीरे का अपवर्तनांक 4/3 है, तो हीरे में प्रकाश की गति ऐसी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो अपवर्तनांक समझ में आ गया, कैसे निकालोगे? किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाला, अभी तो देखा है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये लिखा नहीं नोट्स में, लिखो जगह है कि नहीं है, लिखो हेडिंग डाल दो अपवर्तनांक। लिखो अपवर्तनांक में, लिखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो निर्वात निर्वात तथा उस माध्यम में जो निर्वात तथा उस माध्यम में वह संख्या है जो निर्वात तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निर्वात तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रदर्शित करता है। अभी कोई एक सीट दे देना, टाइप करवा लेंगे, नोट्स में ऐड करवा देंगे। अनुपात को प्रदर्शित करता है, फॉर्मूला लिख लो।
लिख लिया। अब लिखो, लिख लिया। चलो अब एक सवाल लिखो, सवाल करके दिखाओ। लिखो किसी माध्यम में, सवाल लिखो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10^8, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या है? आवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चलो देखते हैं सवाल। तो आवर्तनांक पता करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, तो आवर्तनांक क्या आ गया? नहीं आया समझ में? नहीं आया। आवर्तनांक बराबर है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात के प्रकाश की चाल याद करनी पड़ेगी, ये तुम्हें एग्जाम में दिया रहेगा। फॉर्मूला में रख दो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल लिखो, एक और लिख दो बस। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? किसी माध्यम का अपवर्तनांक 4/3 है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? जल्दी से लगाओ। क्या लगा? बहुत सरल है, लगा। मैं तो मन ही मन में लगा रहा हूँ, तुम लोग कॉपी पेन में नहीं लगा पा रहे। चलो माध्यम का वर्तनांक कितना है? बराबर निर्वात में गुणे उस माध्यम, यही तो फॉर्मूला है। अब वर्तनांक बराबर निर्वात में बटे उस माध्यम में, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 4 के गुणा। ये वहां पहुंच गया, 3 यहाँ आ गया, 9 और 4 आ गया नीचे। अब कैलकुलेशन नहीं कर पाओ तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। कहो तो 3 गुणा की क्लास ले लें। चलो ये हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार वो अपवर्तनांक दे देगा और बोलेगा चाल बताओ, कई बार चाल दे देगा और बोलेगा अपवर्तनांक बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, बस इतना याद रखना अपवर्तनांक जितना बढ़ता जाएगा स्पीड उतनी मतलब उतना गाढ़ापन होगा उसमें। चलो और 2-3 चीज़ें देख लो। जब किसी प्रिज्म से सफेद लाइट को गुजारा जाता है तो ये जो सफेद लाइट नहीं निकलेगी, हम किसी प्रिज्म से सफेद लाइट को, यहां से सफेद लाइट निकाली तो सफेद लाइट नहीं निकलेगी, ये तुरंत 7 कलर में बदलेगा, विभ की ओर, है ना।
कौन कौन से कलर होते हैं? ऑरेंज, येलो और ग्रीन, नीला वीला, ठीक है, ऐसे बट जाता है। तो यहां पर रहता है रेड कलर और यहां रहता है बैंगनी कलर। तो जब किसी सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो सात रंगों में विभक्त हो जाता है और इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब कलर, विक्षेपण मतलब डिस्पर्सन। तो ये सात रंगों में फैल जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया वर्ण मतलब कलर डिस्पर्सन, सात रंगों में फैलना, नाम ही है। अब इसमें ये देखना है अपने रास्ते से ज़्यादा कौन भटका है, रेड या वायलेट। इसका जनरल रास्ता होना चाहिए था ऐसा, सफ़ेद लाइट ऐसी थी ना, इससे ज़्यादा भटकाव किसका दिख रहा है? तुम्हें ज़्यादा विचलन रेड का दिख रहा है कि बैंगनी का दिख रहा है? तो लाल रंग का विचलन कम होता है और बैंगनी रंग का विचलन डेविएशन सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है और इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा। तरंग दैर्ध्य ज़्यादा तो ऊर्जा क्या होगी? कम। कितनी बार याद कराना पड़ेगा? तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो ऊर्जा क्या होगी? कम। और ऊर्जा कम होगी तो भटकाव भी क्या होगा? पैसा जेब में नहीं होगा तो तुम ज़्यादा भटकोगे नहीं, चुपचाप कमरे में डले रहोगे, और पैसा पा गए तो भटकाव भी ज़्यादा हुआ। तो आपसे पहले तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा पूछेगा, तो वो नोट्स में लिखी होगी, पर उसमें ये भी लिखा होगा भटकाव कम ज़्यादा किसका है, वो डिपेंड करता है तरंग दैर्ध्य पे। ये डायग्राम बस बना दो, नोट्स में वर्ण विक्षेपण होगा, उसके बगल में अगर जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हेड एंड टेल वर्ण विक्षेपण प्रकाश वाले चैप्टर में पेज नंबर 13 नंबर पेज पे वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखी है, इसका चित्र वहीं बना लो तो अच्छा है। कुल मिला के तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स हो जाना चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ लो हैं, इसे फेवरेट। हो गया? नौ दिन के व्रत रखोगे? नहीं रखोगे? क्यों? क्यों? बना लिया? पेज नंबर 13 में वर्ण विक्षेपण हेडिंग डली, वहाँ एक चित्र बना लेना, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो सात अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। याद हो गया? चलो, तो वर्ण विक्षेपण घटना दिखाना है और विचलन दिखाना है, कौन सा कलर कम डेविएट होगा, कौन सा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डेविएशन होगा, इसमें एनर्जी कम होगी तो इसका विचलन कम होगा। तो वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया? चलो, इसको मिटा दे। चलो, अब अगला है प्रकाश का विकिरण प्रिज्म से, पर्स की जगह प्रिज्म में से गुजरता है, उसमें सही कर लेना, प्रिज्म से गुजरता है तो वह सात अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, यही लिखा होगा ना। चलो, अब अगली घटना देखते हैं। अब देखो, सूरज से जो रोशनी आती है वो दिखता जरूर श्वेत है और उसमें सातों रंग होते हैं, तुमने बुलबुले में देख लेंगे होंगे, सातों रंग दिख जाते हैं, दिखा होगा कि नहीं, या कांच बाज में भी कई बार सात रंग दिख जाते हैं, देखा होगा। तो सूरज से आते हैं सातों रंग, पर सातों को मिला दो तो सफ़ेद बन जाता है, तुम खुद घर में लाना सातों रंग और मिला देना, पर देखना कौन सा रंग बनता है, सफ़ेद। तो सूर्य से आता श्वेत प्रकाश है पर रहते उसमें सातों रंग, इस सातों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? बैगनी के पास। सबसे ज़्यादा ऊर्जा बैगनी के पास होती है और सबसे कम ऊर्जा किसके पास होती है? लाल।
तो इसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है बैगनी नीला, वो यहीं फैल जाता है। ज्यादा ऊर्जा होगी तो भटका होगा। देखना जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वो जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं, भटकाव ही नहीं है। वो बोलेंगे नहीं कोचिंग करने आएगा, पापा बुलेट दोगे तभी जाएंगे। पर जो ऑफिसर का लड़का आएगा, पापा बुलेट चाहिए, बिना बुलेट तो कोचिंग नहीं जाएंगे। ऐसे ये चाहिए, ये चाहिए, कपड़े चाहिए, कुल मिला के पड़ेगा नहीं। इतना आरामदायक रूम बना लेगा कि सोने के लिए बहुत बढ़िया, 5-6 घंटे क्लास लेगा जाके सो जाएगा। मिडिल क्लास वाला पंखा अगर चल रहा है तो ठीक है, कूलर में जाली बदले तो ठीक है, तो स्ट्रगल से पड़ेगा, उसका मन लगेगा। दोस्त बोलेंगे मूवी देखना है, पैसे ही नहीं है। दोस्त बोलेंगे शॉपिंग करने चलना है, पैसे नहीं, लिमिट में। बर्थडे पे पापा दिला देंगे या त्यौहार पे दिला देंगे, तो लिमिट उसका फोकस रहता है, भटकाव ही नहीं है। तुमसे अगर बोला जाए कि रेव पार्टी में चलना है, ड्रग्स पार्टी में है, एंट्री फीस 5,000 है और 10,000 की ड्रग्स खरीदनी पड़ेगी तब चल पाओगे, तो कौन जाएगा उस पार्टी में, अमीर का कि मिडिल क्लास का? अमीर का, मतलब लाखों की ड्रग्स खरीदना, पार्टी में एंट्री फीस देना, कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है वही फैल जाता है। मैंने आज तक हुक्का बार नहीं देखा मॉल में, और एक कोई डांस वो है ऊपर, वो भी वहाँ कभी नहीं गया मॉल में। ये लगता ना इतने पैसे का तो कुछ खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। मुझे तो सच में ये डांस वांड वार का एंट्री फीस समझ में नहीं आया, मतलब वहाँ पैसे दो नाच के आओ, खुद इतनी एनर्जी करो, उससे अच्छा बढ़िया चार दोस्तों में मस्त मस्ती कर लो, ज़्यादा मज़ा आता है। किस में ज़्यादा मज़ा आता है? गांव के दोस्त इतने मस्त मजाक करते हैं, मतलब मस्त दिन भर हंसते रहो पेट पकड़ पकड़ के, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। न्यूटन का नियम उन्होंने ही सिखाया था। चलो, तो जो बैगनी रंग होता है श्वेत रंग में, बैगनी रंग या नीला रंग वही फैल जाता है, जबकि हमारे तक बाकी रंग आ जाते हैं। तो नीले रंग या बैंगनी रंग का फैलना कहलाता है प्रकाश का विकिरण। पहले ये माना जाता था कि ये जो पानी नीला दिखता है ये आसमान की परछाई दिखती है। डॉक्टर रमन ने इसकी खोज की थी, तो सीवी रमन के समय ये माना जाता था कि समुद्र का, महासागर का पानी नीला इसलिए दिखता है क्योंकि आसमान कैसा है और उसकी परछाई समुद्र में दिखती है। ऐसे जस्ट सामने ऊपर नीचे ही तो है, आसमान की परछाई पानी में दिखना चाहिए? फिर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जब प्रकाश कणों से टकराता है तब नीला रंग फैल जाता है। इसलिए आसमान कैसा दिखता है? जब वो प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो वहाँ भी कण होते हैं, और वहाँ कौन सा रंग फैल जाता है? नीला। इसलिए वो हमें कैसा दिखता है? नीला। इसलिए कभी भी हम खतरे का सिग्नल नीले रंग का नहीं बनाते, क्योंकि नीला रंग पहुंच ही नहीं पाता, वो जिससे टकराएगा वहीं फैल जाएगा। तो हमें सबसे अच्छा रंग दिखेगा लाल, वो फैलेगा ही नहीं, जहां से निकलेगा वहां तक आएगा बिना फैले हुए, मतलब किसका प्रकीर्णन नहीं होगा लाल, और किसका प्रकीर्णन हो जाएगा इसकी खोज की थी सी वी रमन ने। तो प्रकाश कण प्रकीर्णन समझ में आ गया? तो जो धूल के कण, छोटे छोटे कण रहते हैं, उनसे प्रकाश टकरा के नीला रंग फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का विकिरण। इसकी खोज की थी सी वी रमन ने, इनके लिए इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला था। चलो, और हम लोग जो भौतिकी दिवस या विज्ञान दिवस मनाते हैं सी वी रमन के दिन ही मनाते हैं, 28 फरवरी। चलो, ये समझ में आ गया? ये क्या है? वर्ण विक्षेपण। ये क्या है? चलो अगला, जब प्रकाश आता है और रास्ते में कोई बैरियर मिला और ये बैरियर बहुत छोटा हुआ तो प्रकाश को मोड़ देता है किनारों से, तो जब अवरोध की तरंग दैर्ध्य, मतलब इतना पतला हो कि प्रकाश के हो, तो ये इस किनारे से मुड़ जाता है, इस मुड़ने को कहते हैं विवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो विवर्तन का मतलब है और कुछ नहीं, देखना, जब प्रकाश के गति, प्रकाश के मार्ग में अत्यंत कम तरंग दैर्ध्य का अवरोधक आ जाता है तो उस अवरोधक के किनारों से टकरा के मुड़ जाता है, इस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? ये प्रकाश नहीं, ध्वनि भी कर सकती है, तो उसे ध्वनि का विवर्तन, जैसे साउंड जा रहा
और बीच में बिल्कुल बारीक से कुछ आ गया, उससे टकरा के थोड़ा सा मुड़ गया, तो उसे बोलेंगे ध्वनि का विवर्तन। कुल मिला के मुड़ने को कहते हैं विवर्तन। अगर प्रकाश मुड़ गया तो प्रकाश का विवर्तन, और ध्वनि मुड़ गई तो ध्वनि का विवर्तन। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसको? हाँ, वो परावर्तित हो जाएगी फिर। अगर बड़ा अवरोधक लगाया तो उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसे परावर्तन कहते हैं। होगा। चलो एक चीज और देख लो। एक रैले साहब थे, रैले साहब ने यह बोला था कि जो विकिरण होगा वो तरंग दैर्ध्य का उल्टा होगा। जैसे सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य नीली होती है, जामुनी, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन उसका होगा। सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? तो जहां प्रकीर्णन लिखा है ना, वहां लिख दो रैले के प्रकीर्णन का नियम, और ये सूत्र लिख दो। हेडिंग डाली है प्रकीर्णन, वही डाल दो रैले का प्रकीर्णन का नियम। लिख लिया? ये फॉर्मूला लिख देना, प्रकीर्णन समानुपाती बन बाई लेमडा। लेमडा का मतलब, और लेमडा की घात 4। मैंने रैले साहब ये बताना चाह रहे, जितनी छोटी तरंग दैर्ध्य होगा उतना ज्यादा फैलेगा, जैसे कि नीले रंग का फैलना, और जितनी बड़ी तरंग दैर्ध्य है। अच्छा बताओ, तरंग दैर्ध्य का मतलब समझ पाते हो कि नहीं? कई बार बता चुके हैं, जब कोई तरंग चलती है तो उसका शीर्ष देख लो, और शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। या गर्त देख लो, इनके बीच की दूरी क्या होती है? एक ही बात है, चाहे शीर्ष को देख लो चाहे गर्त को देख लो। अगर किसी में तरंग दैर्ध्य बहुत बड़ी है तो मतलब इसमें ऊर्जा बहुत कम होगी, तभी तो ये आराम से जा रही। और अगर किसी में छोटी छोटी तरंग दैर्ध्य है मतलब उसमें ऊर्जा, ठीक है, तो बैगनी रंग में ऊर्जा बहुत होती, वो ऐसे चल रही होगी, लाल रंग ऐसे चल रहा होगा। समझ में आ गया? चलो देखो, किसी माध्यम से टकरा के उस पर लौटना परावर्तन कहलाता है, और जाना जा उसी तरफ रहा पे थोड़ा सा मुड़ जाता है उसे विवर्तन कहते हैं। दोनों अलग अलग है। परावर्तन का मतलब होता है माध्यम से जाना और वापस लौटना, वो परावर्तन है। रिफ्लेक्ट होना मतलब वापस आना, और विवर्तन का मतलब है जा उसी रास्ते पर रही पर थोड़ा सा मुड़ गई कि बीच में बैरियर आ गया, ये थोड़ा सा मुड़ गया, और ये कोई भी तरंग मुड़ सकती है, उसे कहते हैं विवर्तन। चलो अगला। अच्छा लिखा नहीं है, लिखो। हेडिंग डाल दो प्रकाश का विवर्तन। जी, कोचिंग की संपत्ति क्या कर रही है इस टेबल पे? चलो, चलो एंड डाल दो विवर्तन। लिखो, समझ में आ रहा कि नहीं? ये मत समझना अलसा अलसा के पढ़ा रहे तो मन नहीं है, बहुत सरल, इसलिए अलसाते हैं। चलो लिखो, जब प्रकाश के मार्ग में उसी तरंग दैर्ध्य का अवरोधक आता है, जब प्रकाश के मार्ग में उसी तरंग दैर्ध्य, मतलब जितनी मोटाई प्रकाश की है, जितनी तरंग दैर्ध्य उतनी उसकी, अगर ज्यादा मोटा अवरोधक होगा तो परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यदि प्रकाश मार्ग में उसी तरंग दैर्ध्य का अवरोधक आता है तो प्रकाश उस अवरोधक के किनारों से मुड़ जाता है, तो प्रकाश उस अवरोधक के
किनारों से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लिख लिया, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अब अगली है प्रकाश का ध्रुवण। लिखा नोट्स में कि नहीं लिखा? लिखा, देखो। जब प्रकाश चलता है तो पता चला ऐसे भी चल रहा, ऐसे भी चल रहा, ऐसे भी चल रहा। तो जब प्रकाश चलता है वो हर तल में चलता है, उसका कोई एक तल नहीं है। ऐसे भी चल रहा, ऐसे भी चल रहा, ऐसे भी चल रहा, कैसे भी चल रहा। लेकिन हम इस प्रकाश को इस तरह से चलाएं क्यों उस बिल्कुल एक ही तल पे चले बस। तो जब ये अलग अलग तल में चलता है तो इसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। और जब इसको एक ही तल में चलाने लगते हैं तो इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को कहते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। तो जब भी प्रकाश चलता है तो विभिन्न दिशाओं विभिन्न तलों में चलता है। लेकिन यदि प्रकाश की गति इस प्रकार हो कि वो एक ही तल में गमन करे तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश चलता है तो उसका कोई एक तल नहीं है, वो हर तल में चलता है। एक्स एक्सिस पे भी चल रहा, वाई एक्सिस पे भी चल रहा, जेड एक्सिस पे भी चल रहा। लेकिन अगर प्रकाश इस तरह से गति करने लगे कि वो केवल एक एक्सिस पे, एक अक्ष पे ही चले तो उसको क्या बोलेंगे? ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। और इसमें प्रकाश पावरफुल हो जाता है। ऐसे एक ध्रुवित प्रकाश का उदाहरण सुना होगा, लेजर। लेजर किरण तुम्हें तभी मिल सकती जब पूरी किरण एक ही तल पे चले। तो लेजर तभी मिलेगा जब प्रकाश का क्या हो? ध्रुवण। चलो लिख लो, हेडिंग डाल दो प्रकाश का ध्रुवण। ये सब लिखा क्यों नहीं है? कोई एक सीट दे देना, सब टाइप कराना है, आने वाली पीढ़ियों को सब मिलना चाहिए। चलो लिखो, हेडिंग डाल दो प्रकाश का ध्रुवण। लिखो, यदि प्रकाश, अब इतना प्रकाश प्रकाश कर रहा है, किसी दिन प्रकाश ना आ जाए, बताओ सर। देखो, यदि प्रकाश तरंग केवल, यदि प्रकाश तरंग केवल एक तल पर गति करती हैं, एक तल पर, यदि प्रकाश तरंग केवल एक तल पर गति करती है तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। तो इस घटना को ध्रुवण कहते हैं। उदाहरण लेजर, उदाहरण लिख दो लेजर। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीकेशन स्टिमुलेशन एंड एमिशन रेडिएशन। लिखो लेजर का पूरा नाम, लिखो, उदाहरण लिख दो लेजर। लेजर का पूरा फुल फॉर्म लिखो। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड। अच्छा, अच्छे से लिख दे रहे हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म आ जाता है एग्जाम में। तो ये एक तरह का ध्रुवित प्रकाश है, सही है।
तो लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, कैसे होता है, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश समझ में आ गया। भगवान चल जाना, बाहर नहीं है, कहाँ है, लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपने मोबाइल पे देख लेना, एक बार देखने में समझ में आ जाएगा कि पोलराइज और नॉन पोलराइज क्या होती है। उसमें कुछ नहीं, एक ऐसा अक्ष बनेगा और एक प्रकाश ऐसे जल रहा है और एक इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, ऐसे 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 दो अलग अलग दिखेंगे, तो समझ में आ जाएगा। जब मोबाइल में देखोगे ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे तुम्हें ऐसा और ऐसा प्रकाश दिखे, तो ये कैसा प्रकाश है, अध्रुवित, क्योंकि दो दो तल दिख रहे हैं ना, एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है, लेकिन तुम्हें केवल ऐसा दिखे, तो ये कैसा प्रकाश हो गया कि तुमने सब तरंगों को एक ही प्लेन में ले गया, तो ये है ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा डायग्राम। चलो अब अगली घटना देखना, प्रकाश में व्यतिकरण लिखा है नोट्स में, ये नोट्स कहाँ से आ गए हैं। चलो इंटरफेरेंस है, प्री वाले में सब है। चलो प्रकाश का व्यतिकरण, इसमें समझो, देखो ये मान लो दो तरंगे आ रही, एक तरंग है ए और इसके साथ आ रही एक तरंग बी, तो जब दो लगभग एक जैसी तरंग, एक जैसी आवृत्ति, एक जैसी ऊर्जा, अगर दो तरंगे चल रही होती तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। माना कि एक तरंग आई और जैसे जैसे एक तरंग आ रही, बिल्कुल ठीक वैसे वैसे उसी रास्ते से दूसरी तरंग आ रही, और रेड वाली माना कि एक मीटर ऊंचा आयाम बनाती है और ये वाला भी एक मीटर ऊंचा बनाती है। जैसे रेड वाली वो भी एक मीटर हाइट पे चल रही है और दूसरे वाली भी एक मीटर पे चल रही है और बिल्कुल एक जैसी चल रही है। ये देखो जहां से ये शुरू वही ये, तो ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट जुड़ जाएंगी, तो इनका एक रिजल्ट निकल के आएगा और जो कितने मीटर हो जाएगा, 2 मीटर। समझ में आया, एक प्रकाश तरंग जा रही है ठीक उसी समय उसी दिशा में उसी ऊर्जा की एक और तरंग आई और दोनों जुड़ गई, जुड़ने से हो गई समपोषी, पोषण हो गया दोनों का, इसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। ये समझ में आ गया, एक तरंग आई ठीक उसी समय दूसरी तरंग आई, तो इनके कुछ रिजल्ट निकल के आ गया, तो ये कौन सा हो गया, समपोषी। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक रेड कलर की तरंग आ रही थी एक मीटर की आयाम बनाती हुई, ठीक उसी समय एक और तरंग आ रही, ये ऊपर जा रही तो ये वाली नीचे आ रही, ये नीचे आ रही तो ये देखो ये उल्टी जा रही कि नहीं, ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। तो इनका हमने रिजल्ट देखा तो हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लस वन ने माइनस वन को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ कोई तरंग नहीं दिखी। यहाँ देखा तो प्लस वन ने माइनस वन को, प्लस वन ने माइनस वन को, तो ये क्या हो गया, 0। इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो दो तरंगे हैं एक मीटर की, तो उनका मैक्सिमम रिजल्ट 2 मिल सकता है और मिनिमम रिजल्ट 0 मिल सकता है, इनके बीच के भी मिल सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3 भी मिल सकता है, 0.8, 0.9, 0.7 भी, पर डिपेंड करता है वो कैसे मिल रही हैं। एक डायरेक्शन में मिल रही हैं तो जुड़ती जाएंगी, और ठीक एक टाइम पर मिल रही हैं तो बिल्कुल एक साथ जुड़ेंगी। जैसे समझना, जैसे ये तरंग आई और उससे ठीक बाद में एक दूसरी तरंग आई, अब ये देखो थोड़ा सा गैप हो गया, और एग्जैक्ट वहीं से शुरू होती तो 1 और 1 2 होता, पर ऐसा तो है नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो अब इनका मानना 1.7 आ जाए, क्या पता 1.8 आ जाए। समझ में आ गया, तो
तो व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो प्रकाश तरंगें एक समान लगभग समान ऊर्जा की होती है तो उनमें ओवरलैपिंग हो जाती, अतिव्यापन हो जाता है, इसी अतिव्यापन को व्यतिकरण कहते हैं। यह दो प्रकार का हो सकता है, इसकी दो रेंज हो सकती है, एक हो सकती है संपोषी और एक हो सकती है विनाशी। ये या तो दोनों जुड़ जाएंगी, 1+1 2 हो जाएगी या 1-1 0 हो जाएगी, इनके बीच में भी चल रहा है, पर हमें तो दो एक्सट्रीम पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 2 और कम से कम कितना होगा 0। जैसे यहाँ जुड़ तो दोनों जाएंगे क्योंकि ये भी ऊपर जा रही और ये भी, पर एक टाइम पर नहीं जा रही, तो 1+1 नहीं होगा, इनका रिजल्ट 1.5 1.3 1.8 ऐसा कुछ आएगा। तो तुम्हारा एक एक्सट्रीम मिलेगा संपोषी और एक मिलेगा विनाशी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा +2 ला सकते हो और कम से कम ओवरलैपिंग की वजह से, तो इसे क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। चलो हेडिंग डाल दो प्रकाश, अच्छा तो हेडिंग लिख दो बस, अरे लिख लो प्रकाश का व्यतिकरण, हेडिंग डाल दो प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखो कि एग्जैक्ट लिखो, जब दो प्रकाश तरंगें, जब दो प्रकाश तरंगें ब्रैकेट में लिख दो लगभग समान ऊर्जा वाली, लगभग समान ऊर्जा वाली, अभी पॉलिटी हिस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, कितनी रह गई पॉलिटी, वो कितनी हो गई है, तीन हो गई, मतलब अक्टूबर तक दोनों हो जाएंगी ना, और हिस्ट्री हिस्ट्री शुरू हो गई है तो अक्टूबर और 15 नवंबर तक मेरे ख्याल से हिस्ट्री भी हो जाएगी। चलो लिखो, हो जाएगी आराम से, क्या चलो तो बोलो ना, हिस्ट्री तो सर कहानी है, समझाओ, अरे मतलब बता दो ऐसा क्यों हुआ था, बौद्ध क्यों आए थे, बौद्ध धर्म को उदय के कारण, लोकप्रियता के कारण, पतन के कारण, मतलब क्यों पॉपुलर हुआ, चलो बताओ क्यों हुआ, मतलब ऐसी सर से बोल दो आप, तो ऐसी समझा दो। चलो अगला लिखो, इसमें लिखो जब दो प्रकाश तरंगे ब्रैकेट में लगभग समान ऊर्जा वाली में अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन, अतिव्यापन मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के एरिया में घुस जाती है, अतिव्यापन होता है तो इसे व्यतिकरण कहते हैं, तो इसे व्यतिकरण कहते हैं। क्लास तो ऐसी होना चाहिए, जब मालवा के लोग करा तो मालवा से किसी को बुला ला, बोले माच तो वो माच करके दिखा दे, उन्हें आड़ा खड़ी करके दिखा दे, रजवाड़ी रजवाड़ी, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे जाके देख लेना, मैंने तो देखा मटकी, समझ में आ गया। चलो अतिव्यापन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, यह दो प्रकार का होता है, ठीक है, इसको कल लिख लेंगे, यह है।